वही बेल है जो मैंने छोटे से उसमें लगाई थी, और ये अब कितनी बड़ी हो गई है, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं हम, ये 2 से 2.5 फीट की हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ ले रही है ये। और अब मैं इसके बारे में बताऊंगी कि जैसे ये है, यहाँ से जो ये मेन रूट्स है, यहाँ से इसमें मैं 5 पत्तों तक मैंने कोई भी पत्ता नहीं आने दिया। इसको हम, इसकी जो जड़ है इसको हवा लगने देंगे और ऊपर तक इसको चलने देंगे, और कम से कम हम 12 पत्तों तक, पत्ते गिन लीजिए आप, 5 ये हो गए, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक 12 पत्तों तक हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा जो साइडों से निकलती हैं अभी हैं ब्रांचेस, जो इसकी ब्रांच जाती है वो नहीं जाने देंगे। इधर देख सकते हैं आप, इसमें एक इधर से निकल रही थी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से निकल रही थी तो यहाँ से मैंने ये कट कर दिया है। ये देखिए ये मैंने इसको कट कर दिया है, जहाँ तक कि इसमें मेरा एक बहुत छोटा सा फीमेल फ्लावर भी आ गया था, फिर भी मैंने उसका लालच ना करते हुए इसे कट कर दिया। एक्स्ट्रा ब्रांच हम साइड से भी कोई नहीं जाने देंगे। जब ये हमारी 3 फीट से ज़्यादा की हो जाएगी तब हम इसके बारे में आगे बताएंगे। और अभी देखिए, अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा मेन फ्लावर, क्योंकि ये जो मेन वाला जो हमारा सिरा होता है इसमें सारे मेन फ्लावर आते हैं, जैसे ये आ रहे हैं, ये जो फ्लावर्स हैं ये मेल फ्लावर हैं सारे, और जो हमारे जब एक्स्ट्रा जो ब्रांचेस जाएंगी साइडों से निकल के तो वो होंगी हमारी फीमेल, उसमें आएंगे हमारे फीमेल फ्लावर। तो इसलिए मैंने इसको पहले बड़ा होने दिया है। अब ये देखिए मेल फ्लावर के साथ साथ हमारे, इधर देखेंगे हम, मेल फ्लावर के साथ साथ हमारे जो ये आती हैं, ये इनको हम टिप्स इनको तोड़ देंगे, क्योंकि हमें अभी इसमें कोई एक्स्ट्रा ब्रांच नहीं चाहिए। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये मेल फ्लावर है, इसके साथ में जो आया है इसको हम यहाँ से तोड़ देंगे। मेल फ्लावर का हमें ध्यान रखना है, उसको नहीं तोड़ना। देखिए कितनी बारीकी से मैंने तोड़ा है इसको, और ऐसे ही मैं इसको आपको इधर दिखा देती हूँ। ये तो मेल फ्लावर ही आ रहे हैं, ये देखिए ये देखिए ये इसको हम कट कर देंगे, हमें कोई ब्रांच नहीं चाहिए इसमें, इस तरीके से इसमें भी हम कट कर देंगे ऐसे ही। ये देखिए ऊपर से नीचे तक इसमें अब जितने भी आएंगे इसके अंदर मेल फ्लावर ही आएंगे, और आगे का अपडेट मैं इसको आपको दूंगी अभी। और अभी हम क्या काम कर लेंगे, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है और इसको लगाए हुए मुझे 1 महीना लगभग हो गया है, जबकि मेरा बहुत बड़ा ये गमला है, मैंने ये ग्रो बैग जो है खुद से तैयार किया है, फिर भी मैंने जिस टाइम इसमें इसको लगाया था बहुत अच्छे से खाद पानी दे दिया था, उसके बाद भी अब हम क्या करेंगे, अब इसको 1 महीना हो चुका है, अब हम इसकी जड़ से 3 से 4 इंच का छोड़ते हुए एक छोटा सा 2 से 2.5 इंच का होल कर लेंगे, जैसे ये मैंने कर लिया है। जड़ के बिल्कुल पास नहीं करना, जड़ से कम 3 इंच के आसपास कर लेंगे। और इसमें हम क्या करते हैं, ये मेरे काउडंग कंपोस्ट है, और मेरे चाय पत्ती की जो होती है सूखी है, सुखा के मैंने इसका पाउडर बना लिया था। इसको 3 से 4 बार हम चाय पत्ती को अच्छे से धोते हैं, इसके मीठा मिठास निकाल के। और ये देखिए मैं इसमें ये एक एक मुट्ठी इसमें डालूंगी, एक एक मुट्ठी डालिए और इसको बंद कर दीजिए। फिर मैंने इधर से खोद लिया है इसको ऐसे ही, मेरी जो मिट्टी है वो बहुत ही सॉफ्ट है, अगर नहीं है आपको लगता है मिट्टी सॉफ्ट नहीं है तो खोद लीजिए। और ये मैंने फिर एक मुट्ठी इसमें डाला और इसको बंद कर दिया, ऐसे मैं इस तरफ से कर लूंगी। ऐसे मुझे ये इसकी जड़ के चारों तरफ मिट्टी देनी, सॉरी कंपोस्ट डालनी है, और मैं घर से भी ऐसे ही कर लूंगी इसको। तो मैंने इसके चारों तरफ ये देखिए लगभग इसमें मेरे 4-5 मुट्ठी के आसपास कंपोस्ट चली गई है, अब ये इसको पोषण देगी। और हम इसमें क्या करते हैं आप, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी 2 लीटर की वेस्ट बोतल थी, इसमें मैंने एक लिक्विड मैन्यूअर तैयार कर रखा है, इसको मैं अपने सभी पौधों में डालती हूँ बीच बीच में 15 से 20 दिन में। और ये मिक्स मैन्यूअर है, इसके बारे में मैं कभी आपको बताऊंगी, अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसके बारे में। तो मैंने ले लिया है इसमें लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी, और इसमें मैं 1 लीटर के आसपास ये डाल देती हूँ। ये देखिए 1 लीटर मैंने डाल दिया है, ये हाफ बॉटल हो गई है। अब मैं इसको ही अच्छे से मिक्स करके इन पौधों में डालूंगी, ये देख सकते हैं ये सारा धीरे धीरे इसमें चला जाएगा।
हमें इसकी मिट्टी को गीला रखना है। तो फ्रेंड्स अगले आगे अपडेट के साथ मैं आपको मिलती हूँ इसके।